स्त्री बोलती बहुत है पर कह कुछ नहीं पाती, रोती तो बहुत है पर कभी बह नहीं पाती, बस लदी रहती है अपनी कश्मकश में और जूझती रहती है भीतर अटके शब्दों के साथ। स्त्री भले ही स्वयं को लाख बहानों में उलझाए या हजार जिम्मेदारियों में खुद को व्यस्त रखे, पर स्वयं को फिर भी कई बार तन्हा और मजबूर पाती है। बात बनाने में माहिर स्त्री दर्द में सुकून तलाशना सीख जाती है पर बात कहने में हार जाती है। उसे कभी ना कहने का दुख सताता है तो कभी कहकर ना समझ पाने की उलझन सताती है। स्त्री लिपटी रहती है इंतजार में, स्त्री लिपटी रहती है इंतजार में और निभाती रहती है दस्तूर। कोशिशों में रोज इजाफा होता है, उम्मीदें रोज नसीहत देती हैं और ख्वाहिशें दिन रात का मुआयना करके आंखों में सबक लेकर लौट आती हैं। न कहने का जरिया बनता है न खुद को स्वीकारने की मोहलत, बस मन हल्का होने को छटपटाता रहता है, अंदाजा लगाता रहता है सही गलत का, तौलता रहता है पाप और पुण्य को। आंसू हैं कि नापते नहीं थकते आंखों से होठों की दूरी, और खामोशी है कि होठों से पसीजने का नाम तक नहीं। इसी बीच स्त्री का कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ अनकहा रह जाता है और स्त्री हमेशा की तरह किसी पुरानी कहानी का नया किरदार बनकर रह जाती है और सबूत जुटाती रहती है अपने होने का कि वो भी है, उसका भी मन है, उसका भी कुछ मत है जो मायने रखता है।